नाम क्या है बच्ची तुम्हारा? पिंकी। पिंकी बहुत खूबसूरत नाम है तुम्हारा। वो क्या है, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। एक्चुअली मेरी फिल्म का टाइटल है, अगली फिल्म जो बनावे वाला बनी। ओके। भविष्य के भावी निर्माता हैं। हीरोइन नंबर वन बनना है ना आपको? बड़ी खूबसूरत लग रही हैं आप। कंफर्टेबल है ना जी? देखिए, प्रोड्यूसर का पहला नियम होना चाहिए कौनो जबरदस्ती नहीं। जब इकरार हो जाए ना तो रुकना नहीं चाहिए। आइए गले लग जाइए, आइए कस के पकड़िए। मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है। मुन्ना, मुन्ना। सर क्या हो रहा है, क्या हो रहा है अब? सर क्या हो रहा है? हाँ, पिंकी का रिहर्सल करावत रहनी है हम। एक्टर हो, डायरेक्टर हो? अब हम इनका के बतावत रहनी है कि डायरेक्टर साहब बहुत स्मार्ट माना, देखा पर्सनालिटी देखा, अब एक्ट्रेस। सर, और तुम यहाँ क्या करने आई हो? सर मैं आर्टिस्ट हूँ, आपसे मिलने आपके ऑफिस आई थी। तो इधर आइए। हाँ, यही है। अगर तुम्हें एक्ट्रेस बनना है तो तुम्हें मुझसे मिलना चाहिए था ना जी। उससे मिलके क्या होगा, वो थोड़ी नहीं तुम्हें एक्ट्रेस बनाएगा। एक नंबर का घटिया आदमी है, ससुर हमारे दाल ना गले देला, शराब देता नहीं, एकरा अंदर कीड़ा परी मर्दवा देखे जाता हलो। जा। हाँ। बेबी, एक बात कहूं? जी। ये फिल्म सिर्फ तुम्हारे लिए बना रहा हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए। और ये फिल्म जब पर्दे पे आएगी ना तो भोजपुरी की सारी हीरोइंस फीकी पड़ जाएंगी तुम्हारे आगे। यस बेबी। सर! अरे मुन्नो, कितनी बार बोला नॉक करके आया कर यार। अब सर हम तो नॉक करवे कहीं, लेकिन रउवा कहीं और नॉक करत रहनी है। अब वही पूछे कर रहा कि कल कौ बजे लगावे के बाद? क्या लगाना है? अब कॉल टाइम पूछत रहनी है सर, कल शूटिंग के कॉल टाइम कौ बजे लगावे के बाटे? जब लगाना है तब लगा दे मुझे। अब मतलब मुझे तो सीन समझाने दे। अब सर ठीक बाटे, रउवा लगाई हम कॉल टाइम कल के हिसाब से लगाई ले। जॉब ये भी ना। हाँ तो डार्लिंग, मैं कहा था हाँ कि मैं ये जो फिल्म बना रहा हूँ ना सिर्फ तुम्हारे लिए, अच्छे अच्छे शॉट्स लगाऊंगा, तुम भी खुश हो जाओगी शॉट देख के। कम ऑन बेबी। एक्शन। अमरेकर करे जा। अमरेकर कट कट। क्या करे जा करे जा? बेबी क्या कर रही हो? बेबी फील लो, फील अंदर से निकलो, अंदर से। जब फील लाओगी हाँ। तो अंदर का कलाकार बाहर निकलेगा। हाँ? Come on, फील लाओ, ठीक है? हाँ। समझ गई ना? ओके। अब शुरू करूँ? क्या? अरे शूटिंग और का? आजकल के लोगों को बस कुछ नहीं आता, बस आता है तो ससुर। अब मेकअप, बाहर निकल। मेकअप जब देखो तब मेकअप। Everybody keep pointing. Hey, I'm sorry. Please, सब लोग सीरियस हो जाओ। Yes. Serious. कैमरा रोल, रोलिंग, एक्शन। हमरे करेजा, हमको अपने दिल में बसा लीजिए। कट कट। अरे हमरे करेजा, हमरे दिल में ये सब कुछ नहीं, दिल में बसाला नहीं, अपने चरण में शरणदा। गोदी में बैठा कर चरण में शरण दी है तो मुंह से डायलॉग का निकल गया। कुछ बोलते नहीं थे। अब सॉरी सर। जब जाओ तुम लोग बाहर। सॉरी सर। अब तुम ठीक से नहीं करोगी, अब मैं ठीक से करूंगा। क्या रिहर्सल और क्या? आप ऐसा करिए, आज रात को हमारे फ्लैट पे आइए, हम रात भर आपके साथ रिहर्सल करेंगे, फिर आप दिन में गर्दा गर्दा उड़ाइए। ओके पैक अप। एक बात कहूं जी, लाइफ सेटल कर दूंगा तुम्हारी। क्या? हमारी हर फिल्म की हीरोइन तुम ही रहोगी। क्या सही में हर फिल्म में आप मुझे हीरोइन लेंगे? हाँ।
तुम्हें हीरोइन लूंगा, अलग अलग तरीके से। तुम्हारा शॉट लूंगा, अलग अलग एंगल से लूंगा। तुम्हारे अंदर छुपे हर टैलेंट को एक एक करके बाहर निकालूंगा। बस तुम्हारा कॉपरेशन चाहिए। कॉपरेट करोगी? हाँ। तो फिर देर किस बात की, चलो शुरू हो जाओ। एक्शन तो बोलिए डायरेक्टर साहब। वाओ, एक्शन। तो क्या नाम है आपका? हमारा नाम पायल बा। पायल, तब तो बहुत बचती होंगी पैर में। ऐसा है कि आप तो हीरोइन बनने आई हैं? हाँ। देखिए, हमने जिसके ऊपर अपना हाथ रख दिया और जो हमारी शरण में आ गई, वो बन गई हीरोइन नंबर वन। फॉर एग्जांपल, रानी चटर्जी को ले लीजिए। अच्छा, रानी हाँ। चटर्जी को आपने हीरोइन बनाया? मतलब हम नहीं, रिकमेंड जो हमने किया है। जानती हैं, मोनालिसा से लेकर मधुबाला तक जितनी भी हीरोइनें बनी हैं, कहीं ना कहीं मुन्ना का हाथ पैर उसमें जरूर रहा है। आपको भी हीरोइन बना देंगे, और सुनिए, एक नंबर की टॉप हीरोइन बना देंगे। थोड़ा बॉडी टर्न कीजिए तो हमारी तरफ, आपको एक थोड़ा जादू दिखाते हैं। आंख बंद कीजिए। सही कहते थे तुम्हारे बारे में, अब एक नंबर के घटिया इंसान हो। अब जा रही हूँ शिकायत करने। अरे बहन 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 बहन, अरे तुम तो बेवकूफ बन गई। हम तो तुम्हारा ऑडिशन ले रहे थे, कॉन्फिडेंस लेवल चेक कर रहे थे। हाँ, लेकिन तुमको कसम है, तुम्हारा कोई भाई होगा ना? तुमको तुम्हारा भाई का कसम है, शिकायत मत करना। पापी पेट का सवाल है, रोजी रोटी का सवाल है। अगली बार से ऐसा नहीं होना चाहिए। पक्का नहीं करेंगे। मुन्ना, ये मुन्ना, अब डायरेक्टर साहब को पता चले तो के मार दिए। अब चुप कर रहो ना, जब जब ऐसा लड़की देख रही मर्दवा हमारा से कंट्रोल लेना। अरे तो शादी कर ले। शादी कहाँ से कली मर्दवा, कोनो लड़की रखल बिया की बियाह कली। अरे तो ऑफिस है ही जा भाई। बहुत बुला तोड़े रे, बहुत बुला तोड़े। बॉस आ गई ना। वाह, क्या सीन है, सुपर्ब। जब ये सीन शूट होगा ना तो मिजाज गजगजा जाएगा। बस ये सीन बेबी के दिमाग में घुसना चाहिए। ढुके सर। आओ आओ मुन्ना, आओ आओ। ये बताओ जी, कल की शूटिंग की पूरी तैयारी हो गई? सर, तैयारी एकदम फर्स्ट क्लास का हो गई बाटे। अरे हम तो ड्रेस व्रेस नपा पवा के सब तैयार कर देले बानी। वेरी गुड, वेरी गुड। एक काम करो जी, ये स्क्रिप्ट लो और इसकी चार कॉपी करवा दो। ठीक बा सर। सर हाँ, एगो बात कहे कर आला। हाँ बोलो बोलो। गाँव से चाचा के फोन आई लाला, ब्याह तय हो गई बा हमार, तो गाँव में जाए के बाद। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है जी, है ना? लेकिन पहले शूटिंग कर लेते हैं फिर गांव चले जाना। अरे सर, रहुआ शूटिंग में तो काफी लंबा टाइम ना लगी सर। मतलब ब्याह की बहुत जल्दी है मुन्ना तुमको? हाँ चलो ठीक है, लेकिन पहले काम जरूरी है, ठीक है? पहले काम कर लो, शूटिंग खत्म, ब्याह शुरू, जाओ। ठीक है सर, बुझाता रहुआ हमरा के आराम ना दे सर। जानू, मैं तुम्हारे लिए जान भी दे सकती हूँ, तुम एक बार बोलो तो। वाह, कट, अमेजिंग, क्या डायलॉग बोला है तुमने। लव यू, लव यू। ऐसे ही काम करती रहो, एक दिन नंबर वन हीरोइन बना दूंगा। ड्रेस? जी सर। कम, वेरी गुड। मेकअप? हाँ सर। इसका ऑल्ट्रेशन करवाओ और मैडम का मेकअप कर दो। हाँ। ठीक है, अच्छे से मेकअप करवाओ। हाँ मैडम। चलो जाओ। कैसे हैं सर? चले ला कबो कबो। राउर महिमा अपरम पार बा, ए लड़की के हीरोइन नंबर वन तो बनाइए के छोड़ बा, ये तो पक्का बा। अरे कुछ भी बोलता है यार, अबे इस लड़की में वो क्वालिटी नहीं है यार कि नंबर वन हीरोइन बना दूं। अच्छा। अब राउर महिमा रहुआ जानी, हम तो छोट मोट आदमी है, हम तो ये कहता नहीं महाराज रहुआ आदमी है ना। अबे आदमी नहीं हूँ मतलब? अब मतलब रहुआ देवता है प्रभु, साक्षात पृथ्वी पर देवता। चल बहुत हो गया, तेल मत लगा, काम की बात बता। ऐसा बैठे कि चाचा तो अमर बिया आते को दलवाना, अब रोज फोन पर फोन आवा था। अच्छा। अब रहुआ छुट्टी नहीं तो हम गांव जाके बिया के सुहाग रात मना के बच्चा पैदा कर ले, लड़कवा हो जी से तो दुआ दी से रहुआ के। ठीक है, एक काम कर, एगोरी ले ली, एगो गांव जा और शादी करके वापस आ जा। ठीक।
ए, सुन सुन सुन, लेकिन वापस आएगा तो बीवी को कहाँ रखेगा भी? अरे महाराज, मीरा रोड में हमारे को फ्लैट बा ना, हाँ, किराएदार के दिले बनी। अब मेहरारू के लेके आई तो किराएदार के निकाला, वो ही के अपन आशियाना बनाई। वाह बेटा वाह, अपना फ्लैट किराए दे दिए हो और मेरी ऑफिस में अपना आशियाना बनाए हो, बड़ा होशियार हो। देखी महाराज, ये कुल रहुए से हम सिखले हैं। सुनी एक बात और बताई। हाँ, बोलो। ये जन हमारे मीरा रोड वाला फ्लैट बा ना, ये रोड़ी पिछली फिल्म के कमाई है। बा बेटा बा, लगे रहो। ठीक तो हम जाएं सर। हाँ जाओ। ठीक वह जाता नहीं। का हाल बा मुन्ना, आज के शूटिंग तो हो गई। अरे शूटिंग का भइल यार, जब ले डायरेक्टर प्रोड्यूसर के कंगाल ना बना ले ना, तब ले मानी ना ही। अरे छोड़ा मर्दवा, तोहार का जात बा, बिल बनाओ ले जा और माल कमाओ ले जा। सही कहा था रा। चाचा इतनी रात के। हेलो, हाँ प्रणाम चा। हाँ हाँ अब हाँ हाँ ठीक बा ठीक बा, कल सवेरे आवा था नहीं, गोड़ लाता नहीं। कहा भल मुन्ना, कौन इमरजेंसी बा का हो? हाँ यार, हमारा लाइफ के सबसे बड़का इमरजेंसी बा। हाँ, हमार चाचा हमार बियाह तय कर। अब माई बाप तबाना हमरा लगे, जोन बड़न तो चाचे बड़न। अब समझ लग कि हमार बियाह हो जाए तो ओकरे बाद से लाइफ सेट हो जाए। चलो बुलावा आया है, चाचा ने बुलाया है। पानी पी ली। हल जाओ। मुन्ना बाबू पहुंच गई ला अपना गाँव में। ये कौनो ससुरा दूर दूर तक लौकते नहीं खासा। बुझाता गांव के कुल लड़का गंदा गंदा गाना गा के गांव खेड़ा के एकदम हीरो बन गए बना सा। खैर हमरा के का लेवे दे, एक बार हम बियाह करे आयल बनी, बियाह करके बम्बई चल दे। चलो हे मन, आए हम बाराती बारात लेके। अरे अपनी आप के फीमेल तेंदुलकर समझता रुका। इस छोट छोट लड़कन के संगे क्रिकेट खेल के कुछ ना होई। बुझाइल एक बेर हमरा साथे खेला, अगर हमरा के आउट कर देलू तो हम हार मान जाए, और अगर ना आउट कर पाऊलू तो प्रॉमिस करा क्रिकेट खेलल छोड़ देबू। तू हु सुन ला, पहला बॉल पे अगर आउट ना कईनी ना तो हमार नाम भी मधुना। अगर तो आ रहे कड़ी ना निकलनी, हमारो नाम मुन्ना ना, पता ना कहां से आ जाला। आज तो ये बच्चू याद ही रखिया। भैया ध्यान से खेला, इतारा के आउट कर दी, देखिया। ओके।
मैडम तू तो हमरा के एक के बॉल में आउट कर दलू है। केहू के कमजोर मत समझल करा, चला अपन रास्ता नापा। तो ठीक बा, इला चला जा। ए छोटू बॉल लावा, बड़ा आइल रहन हमरा हरावे खातिर। ए चला बॉल फेंका। चाचा, ओ चाचा, अरे खोला मुन्ना आइल बने हो। अरे हमार बेटा आ गइल, आवा बेटा, आवा चाचा, आ जा। बोल लातें चाचा। कितना दिन हो गइल तोहरा देखला, कैसन बड़ा बेटा? बहुत बढ़िया, अपन बतावा चाचा का हाल बा। कितना दिन हो गइल बेटा, इतना दिन में तोहरा हमार याद ना आइल। अरे चाचा ऐसन बात नहीं है, ऐसा कोनो दिन ना बीतल हुई जो ना दिन तुम्हारा याद ना आई लोग। अरे रहे दो, अगर याद आये तो हमरा एक आध बार फोन तो लगा सकत रहा। अब का बा चाचा की बम्बई बड़ा व्यस्त सिटी है, एजा सवेरे से शाम कब हो जाला, दिन से हफ्ता कब हो जाला, महीना से साल कब हो जाला, पते ना चले ला मर्दवा। यही से हम सोचले बानी कि तोहरा के खूंटा से बांध दे। खूंटा? ए मर्दवा हम कोनो जानवर है कि हमरा के खूंटा से बांध देबो? अरे खूटा मतलब बेटा तुहार शादी के बात करता नहीं। शादी? ए चाचा जल्दी शादी करा दे मर्दवा। अब इतना जल्दी ना? हाँ? थोड़ा भाई आइल बड़ा, सुस्ता ला, तनी आराम कर ला, इतना का जल्दी? कल सवेरे चलल जाई ना हमने के। अब चाचा चले के तो बटले बा, लेकिन एगो बात बतावा, एक गांव में वो कौन लड़की है जोन क्रिकेट खेले ले? अच्छा गलत बात बा बेटा, वहाँ से अइला तू अवते नैन मटक्का शुरू कर देला। हम कुछ हाउस जोगाड़ में रहनी तोर शादी के, और तू अब ही से नैन मटक्का शुरू कर देला। अच्छा एगो बात बताओ, भतीजा के कर है? हमार। अच्छा तोहर उम्र कितना भाई? 55। तो जब 55 के हो के तू आज ले ना सुधरला, तो हम तो अबे जवान बानी, हम कैसे सुधरे मर्दवा? ते ना सुधर बे, चल चल आओ अंदर आओ। चला चला। ए सिला, तू एहिजा सही समय पे आ गेल बाड़ू, और हम तोहरा से बहुत प्यार करेला, यकीन करा हमार। अब तू ही बोला का इरादा बा? वैसे सर मैं मुंबई में हीरोइन बनने आई हूँ, और ये मौका मैं हाथ से जाने नहीं दूंगी। अब आप मिल गए हो तो मैं आपका पूरा समय चाहती हूँ। 24 घंटा? हम तोरा के 24 घंटा समय देव, या तो पेपर पे लिखा ला हमरा से, तोरा के स्टार जरूर बनाए। डायरेक्टर इतना खड़ूस है, उसे कैसे समझाऊंगी? तू टेंशन ना ला, उनका से हम बात करें। थैंक यू सर। एक बात बोलू? एक ना, चार गो बात बोला, तोरा 8 जवाब देव। आप मुझे आपकी हीरोइन समझ लीजिए। लगता इशारा समझ गए लू, अगर ये इशारा समझ गए लू तो बहुत आगे जाएगू, टॉप के हीरोइन बनू तू। अब मैं आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ, बस चलो। आप जो कहोगे वो मैं करूँगी। अभी नहीं, हम ओकरा फोन कर दे, आ जाए। जी जी ठीक है, चला हम तुहके फोन कर दे। ठीक बा, बाय। समर बिया हो जाए ना तो साला लाइफ सेट हो जाए। उफ, कमाल के खूबसूरत रहा लिया यार। हाँ
रुपवा तोहर सलोना, रुपवा तोहर सलोना, रुपवा तोहर सलोना, लागे सबसे हटके तकदीर बा अचरवा के तोहसे रहे लसटके, तकदीर बा अचरवा के तोहसे रहे लसटके। जिए न दे बना जा, जिए न दे बना जा, जिए न दे बना जा, इतना दुलार कर गए, साचो कहीं निखर गए ने तोहरा से प्यार करके, साचो कहीं निखर गए ने तोहरा से प्यार करके। चली आई नहीं बुझा तब चाचा से बात करके रिश्ता फिक्स करावे के पड़ी। बेटा मुंबई में क्या करते हो? फिल्म के निर्माता हैं, फिल्म बनावे नहीं। लाखों रुपया कमाला हमर भतीजा। अच्छा जी। शादी के बाद बेटी सीधे बम्बई जाई। अच्छी बात है, शादी के बाद पति पत्नी साथ रहे तो। लो मधु बेटी भी आ गई। तू? तू? एक दूसरे को पहले से जानती हो क्या? हाँ, जहिया बम्बई से आ रहे थे वही दिन आई। अच्छा। क्रिकेट विकेट खेलत रही वही जा भेंट भइल है। अच्छा अच्छा, ये है क्रिकेट वाली। लड़की पसंद भी है? भाई हमारे भतीजा को तो लड़की पसंद है। अब रउआ पूछ ली इनका से, लड़का पसंद है बेटा?
बेटी शर्मा गई। हमारी तरफ से रिश्ता पक्का है। चला बहुत लेट हो गई बा, अब हमरा घर चले के चाहिए। अरे मधु तू कैसन बाड़ू? अरे तू हम तो ठीक बानी, तू अपन बतावा। अरे वो सब छोड़ा, एगो बात पूछी। एगो का है, दस गो पूछा। सुने में आयल की तुहार शादी तय हो गई और लागता कि भगवान तुहार जल्दी सुन ले। हाँ जोन तू सुन ले बाड़ू, ठीक ही सुन ले बाड़ू, बाकी देखा सब भगवान के हाथ में बा। चला आज खेले में बहुत लेट हो गई बा, पता बा माई घर पे इंतजार करत हुई, हम जात बानी बाय। अरे रुको रुको, का भाई? बड़ा भागे भागे में जल्दी करत अड़ू, अभी शादी नहीं की भाई तो ई हाल बा, और जब शादी हो जाए तो का करबू? कोनो मन के मित मिल गए बका। तोहरा तो हमेशा मजाक ही सूझेला, समय के अनुसार जोन हो जाला ना वो ठीक ही होला, और समय के का भरोसा बा, इंसान के कहां से कहां पहुंचा दी। ये बात तो ठीक बा। अच्छा एक बात बताओ। हाँ बोला। तू नैहर से ससुराल जेबू तो का करबू? और तुहार होखे वाला पति से कैसन कैसन बात करबू? एक बात ध्यान दिया, प्यार के धुन में सुबह से शाम मत कर दिया। ये तू का बोलत बारू, हमरा के कुछ समझ में नहीं आवत। हम ये कहत बानी कि शादी के बाद का हुई? शादी के बाद सास ससुर के आदर और पति के देखभाल और ई काम हमरा ठीक से आवेला, और तू ढेर मत बतियावा, हमरा बहुत लेट होता, माँ इंतजार करत हो, चला गा। पता नहीं कब बचपना जाए। मधु, ए हमार मधुबाला, नरे जल्दी आवे दादा, ना तो हमार होता है जाओ लाला। गर्मी का दिन 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 है, गर्मी का दिन नहा लीजिए, हे मैडम जी एसी चला लीजिए। गर्मी का दिन नहा लीजिए, हे मैडम जी एसी चला लीजिए। सता
है गर्मी का दिन 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 है गर्मी का दिन नहा लीजिए हे मैडम जी एसी चला लीजिए है गर्मी का दिन नहा लीजिए हे मैडम जी एसी चला लीजिए। गर्मी का दिन 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 है गर्मी का दिन नहा लीजिए हे मैडम जी एसी चला लीजिए है गर्मी का दिन नहा लीजिए हे मैडम जी एसी चला लीजिए। बोरा गई बाड़ा का अब कई तक क्या वो फाड़ दे बा। मधु आज हमनी के सुहाग रात है और तोहरा के मालूम बा सुहाग रात की रातें मरद मेहरारू का करेला का करेलन दूल्हा दुल्हन हो के चाहे कोनी औरी सुत बे ना करेलन की उल्लू लेखन निहारेलन चला हटा हमरा बड़ा नींद लागता ए का मजाक करता हे ने अब अजीब बोरा इल बाड़ा राती के चुपचाप सुतल जाला त एका पकड़ा धकड़ी करता रहा जब राती के हमरा नींद ना आवेला ना तब जाने ला माई का करेले अब का उठा के बेल ना और मन भर कूट ले वेले अब चुपचाप सुतबा के कुटाईबा। चाचा जी कहले रहन कि तोहार जिम्मा अब हमरा ऊपर बा और तू तन की एने ओने कहला ना तो लागब कुटाई करे। काए भगवान इकुल का होता चला हटा भगवान बुझा तकिया लेके सुते के तो का कहला कुछ ना नाम का बोला था रात तकिया लेके गुजारे के पड़ मधु ए मधु अरे सवेरे सवेरे कहाँ चल गेल दादा। खैर गेल तो बढ़िया भाई माने ऐसन कौन पगलेट मेहरारू होई जोन सुहाग रात की रातें अपना पति के सामने मेलन लेके आवत होई का भगवान यही बनचर के बनो लला हाँ हमरा खातिर लेकिन ठीक कैला हा हम ही ससुर धधाई लनी हाँ ब्याह करब ब्याह करब ब्याह करब बहुत बढ़िया सजा देले बड़ा हमरा के कहाँ ब्याह तनी देखल जाओ जय श्री राम जय हो जय हो। अरे बेटा मुन्ना रात कैसन गुजरल कैसी रात गुजरी अरे हमार किस्मत खराब रहला कैसन बनगाए मेहरारू मिलल भी हमरा के भगवान कोनो बहुत बड़ा गुनाह के सजा देल बना हमरा के किरिन कपारे पर उग के आ गई लेकिन एक कप चाय लेके नहीं खिया लू लईकी। चाचा जी हम क्रिकेट खेले जाता नहीं हमार दोस्त लोग इंतजार करत होई। चाचा जी क्रिकेट खेले जाता नहीं समझावा इनका के क्रिकेट खेलला के अलावा भी पति का ख्याल रखल भी मेहरारू का धर्म होला बनगाए कहीं के बनचर मेहरारू। बेटा हाँ चाचा जी अब खेले कूदे के समय नहीं खे तोहर तोहर ब्याह हो गुलबा
बेटा, अब तू ये घर के बहू हो। ई खेले कूदे के समय नहीं खे अब। अब ये घर के ख्याल रखो, मुन्ना के ख्याल रखो। चिंता मत करी चाचा जी, उनका पूरा ख्याल बा। तन की एने ओने कैलन तो ठीक से कुटाई हो जाई। ई का कहलू बेटा तू? मुन्ना तुहार पति हवे, ओकर इज्जत कैल सीख बेटा। जब तक तू पति के इज्जत ना करबू तो तू कैसे खुशहाल जिंदगी जीबू बेटा। हमसे का गलती भइल? हम तो कुछ करबे ही ना कहीनी। कोनो परेशानी बाका रवा के हमरा से? अरे हम तो कोनो जबरदस्ती ना कहले रहनी ब्याह करे खातिर। अगर ब्याह ना करे के रहे तो मना कर देती। अरे चुप, उल्टा चोर कोतवाल के डांटे। जोन बात हमरा के कहे के चाहिए तू हमरा से कह तड़ू। खैर का भइल? चाचा जी से हमार शिकायत काहे कही नी? पता बा वो हमरा के कितना डांटत रहन। हमका तोर इज्जत ना करे नी। अरे तू कितना इज्जत करेलू? कल राती के हमके बुझा गेल। सुहाग राती की राते बेलना लेके डरवा के हमरा के सुता देलू। सब बुझा गेल हमके। तो का करती? पता ना कौन मिर्गी चढ़ल रहे, बैठ के तकिया फाड़त रही। बैठ के तकिया फाड़ दो। हां मिली तब आईलू। और ई बतावा शादी में काहे ना आईलू? अरे बाबा एक मिनट, हमार प्रोग्राम रहे छपरा में तो उही बिजी रहनी हां। आ जाई तो आईनी हां। अच्छा बता, और चीजा जी से काहे लड़ाई होता? पता बा कल राती के का? अरे कल राती के का भइलो के लेबे देबे के का बटे? रात गइल बात गइल। अब खैर ई के है, जब हम तोहरा के जीजा कहनी हां तब हम तोहार का भइनी साली। तो फिर वैसे हमार नाम मिली है और हाँ। हम मधु के बचपन की सहेली बानी। हाँ। चला बहुत बढ़िया भइल की तोहरा जैसन सहेली भी बाड़ी इनका लगे। ना तो अभी तक इनकी सहेला लोगन में हम बाले गोपाल के देखले रानी है। खैर तो लोग बैठ के बात करो जा, हम आवा तानी। बाय जीजा जी। जीजा जी तो बड़ा रोमांटिक बाड़े हाँ। वैसे कल रात के का भइल रहे हाँ? सारा झगड़ा कल रात के तो बा, पता बा का भइल रहे? हम जब सूते गई नी तो देखनी बैठ के तकिया फाड़त रहन तो हम उन्हें गाले नी बेलना और कहनी सुतबा की कुटाई बा। फिर का सूत गई ले। बेचारे जीजा जी। वैसे जीजा जी करे ले का? मुंबई में फिल्म बनावे ले। सिनेमा? हाँ मतलब उ सिनेमा जे बड़ा बड़ा पर्दा पे आवेला जे हम सिनेमा घर में जाके देखे नी? हाँ उहे। का बात बा, फिर ता जीजा जी बड़े काम के बाड़े। मुन्ना भैया अभी तक लेना आईले। और जब भी वो घर जाले ना, 6 महीना साल भर घरे रह के आवेलन। सुन अब इन शादी करे गेल बाऊ। मेरा ना शादी भइल बा। क्यों मैं रारू के छोड़ के आई? ई ठीक ना हा। ओकर अच्छा भइल काम धंधा कुछ ना हो पौलस। अरे भैया जब से घरे गइलन तब से फोन तक ना कइलन। और पहले रोजाना फोन करत रहले। लागत आ इस सारा दुनिया के खुशी मेहरारू के आंचल में बा। अशोक ओकरा तो एक चुम्मा देवे के चाही। अब तो के देख कबो इन्ने जइबे उ तो शादी के क्या बता? तोर शादी ना भइल बा ना, एही से तो के मालूम नहीं के पड़त। अब डायरेक्टर साहब के देख, चूत से चूत लड़ा बता, वही में तो 10 को मेहरारू बा। हाँ ऐसा बात बका। हाँ ते करबे तो भोजपुरी के हीरो बन जइबे, पूरा इंडस्ट्री में हिला देबे। का बात करत आ रहा? बाप रे बाप। नमस्ते सर जी। हा? कैसे आप? नमस्ते। और छोटू कैसे हो, नाराज हो क्या हमसे? हम तोहरा से कैसे नाराज रहब? ओहो तोहरा जैसन हरा भरा लड़की से। अरे छोटू ये हरा भरा का होला रे? का मतलब होला हरा भरा के? अरे भैया खूबसूरत, ब्यूटीफुल, सुंदर। अरे भैया इंग्लिश में कहल जाला ब्यूटीफुल लड़की। अच्छा। गया आपका? अगर इतनी ही सुंदर हूँ तो आपके डायरेक्टर मुझे बड़ा सा रोल ना देते। डायरेक्टर से मैं बात करूंगा, तू चिंता मत करो। सर पक्का डायरेक्टर साहब नाराज तो नहीं होंगे? अरे नाराज कहे होंगे, डायरेक्टर साहब के सारा काम भैया देखत अड़े। हम ही तुम्हें डायरेक्टर के पास लेके जाए, तू चिंता ना करा। अच्छा सुना रउआ लोग बात करी, हम जाता नहीं। ठीक बा चला भैया। ठीक बा चला तानी। तू चला। बुखाइल हुई है ही लिए गई ले हम। आई बैठे। पहले अपना हाथ धो। लावा एहर लावा, बहुत खूबसूरत हाथ बा। का भैरव बाबा
मर्दवा कौने कलम से हमार किस्मत लिखले बड़ा कि मेहरारुआ मिलल त एकदम बखलोल कौनो कामे का नहीं खे। अभी के आगे मजाक करे। अब मिली, अब तुम्हें ये अचानक से? हाँ जीजा जी, हम हमरा के पता चलल रहुआ फिल्म बनावे ली ना। हाँ फिल्म बनावे नी तो हमरा के हीरोइन बना दी ना। हमार बचपन से सपना बा कि हम बहुत बड़ हीरोइन बनी। हाँ तब हम तोहरा के हीरोइन बना दे, लेकिन ओकरा खाती तोहरा के थोड़ा सा हमसे दोस्ती होस्ती करे के पड़ी। बना हम कर लेब ना, हम राउट सब बात मानब, लेकिन हाँ। देखा एकर गलत मतलब तो बिल्कुल मत निकलिया। का है ना, हमरा के पता लागल कि रउआ प्रोड्यूसर बानी नू, फिल्म बनावेनी, यही से हम मिले खातिर आ गए। मिली हीरोइन बने खातिर ना आप बम्बई आवे के पड़ेला, बम्बई चले के पड़ेला। हाँ तो ठीक बा, हम मधु के संगे आ जाई बम्बई। मधु छी। अरे जीजा जी निराश मत होई, हम समझाई मधु के, वो बहुत अच्छी लड़की भी है। अगर ओकरे बादो ना समझलस तब तो हम बानी नू काहे चिंता करता नी, हम अपन प्रोड्यूसर के निराश थोड़ी ना होके। अच्छा जी अब हां जी। मिली तो बिल्कुल सही टाइम पे मिली, थैंक यू। हम तो तोहरा के निर्मोही बुझत रहनी हम मतवा, लेकिन तू था एकदम। पूजा तू एजा। अरे हम तोहरे बारे में सोचत रहने, आओ बैठा ना। हमरा लग रहल बा तोहरा दिमाग में कुछ खुरापाती चल रहल बा, चलो बताई दा का सोचत रहलू। अरे हम ये सोचत रहनी हा, अब तो तुहार शादी हो गई, लेकिन तू अपने शादी के बारे में नहीं बतौलू। तू आज मिल गेलू तब बताई दा, ये मत सोचिया कि बिना बतौले चल जेबू। अच्छा ये बतावा कैसे कैसे भइल पिया से प्यार? प्यार के तो सुख खूब पौलू तू। सुख दुख तो जीवन के साथ ही होला, और औरत के दूसरा घर ओकर ससुराल ही होला। अरे हम तोरा से तो इशारे में पूछत रहनी और तू समझलू नहीं। का पूछे के चाहता रू, पूछो। अच्छा ये बात बताओ, पहले रात कैसन कटल? सुहाग रात के दिन कुछ मिलल कि नहीं? वो बड़ा जिद कैले रहन सुहाग रात वाला दिन, हमरा के तो तंग करके रख देलन, रात भर हमरा सूते ना देलन। बता बता आगे का भइल, बोला। फिर का भइल, हम तो चिल्ला के कहनी कि चुपचाप से सूत जा, ना तो ठीक ना होई तोरा। पकड़ा धकड़ी करत रहन हमरा के, हम कहनी कि पकड़ा धकड़ी मत करा, चुपचाप सूत जा, तो उधर मुँह करके सूत गई और हम इधर मुँह करके सूत गई नहीं। बेचारा के मेहनत पे तो पानी फेर देलू। मतलब हमरा समझ में ना आईल। अरे हम तो सुन ले रहनी कि पति की इज्जत करे के चाही, पति तो परमेश्वर होला ना। हम तो करनी तो इमे पानी फेरे वाला कौन बात बा? का बात कर लू, दिल खुश हो गेल हमार। काहे हम कुछ गलत कहनी का? ना मधु तू एकदम ठीक कह लू। हर औरत के मन में अपने पति खातिर इज्जत होके के चाही, और अपने पति के परमेश्वर माने के चाही। हाँ हम अपन पति के बहुत इज्जत करेनी और परमेश्वर भी मानेनी। चला ढेर बात हो गई, चाचा जी के खाना भी देवे के बा, हम जाता नी, ठीक बा? अलाख निरंजन बेटा, कहाँ जाता है बच्चा? क्योंकि मुझे तेरी भाग्य की रेखाएं जो हैं, दिख रही हैं कि तू बहुत परेशान है। हाँ बाबा बिल्कुल ठीक कहता। अरे बाबा हम बहुत दुखी बानी, एगो कहावत है ना कि खुद से हारल मेहरी का मारल के उसे बतावलो ना जाला। बस इतनी छोटी बात है। हाँ। लो मैं तुम्हें एक पुड़िया देता हूँ, और इस पुड़िया को ले जाओ और शरबत में मिला के जो है उस औरत को पिला देना। इस तरह से आनंद आएगा जिस तरह से आदमी बुलेट चलाता है, उस तरह से आनंद आएगा। बाबा अगर ये बात सच हो गई ना तो यकीन माना दिन रात हम सिर्फ तोहरे नाम के माला जप, अब कसम से ऐसे ही होगा। हाँ होगा मगर। हाँ
ध्यान रखना हाँ। कि ये पुड़िया सिर्फ अपनी औरत को ही पिलाना। अरे बात करूंगा, टेंशन मत ले, ये गांव में ओकर अलावा हमारे को बटलो नहीं खे। अच्छा चला तनी जयराम जी, खुश रहो। ठीक बात। बेटा मुन्ना आज से बढ़िया टाइम ना मिली, चाचा भी घरे नहीं खा। आए बाबा जी के बूटी अगर आज काम को गई तो हर भाग जाग जाइए बाबू। घुल जा बेटा, मिल जा बेटा, घुल जा बेटा, मिल जा बेटा, घुल जा बेटा, मिल जा बेटा, घुल जा बेटा, मिल जा बेटा। आज जब भी दवाई और दूध मधु के देही में जाई तब मजा आई। मधु डाली का जी, रुकी आवता नहीं। अरे जल्दी आवा, बर्दाश्त नहीं के हो। का भइल की बर्दाश्त नहीं के होत, पेट खराब हो गइल बा का? अरे पेट वेट नहीं के खराब भइल, तू देखत अरु दिन पे दिन दुबराइल जातरु, टिटहरी नियर हो गइल बाड़ू। सोचा था नहीं कि हई दवाई तू पी लेबू ना तो एकदम चुस्त तंदुरुस्त हो जाइबू। हाँ हम तो ठीक ही बानी, कमजोर तो हमके रौवा लागत नहीं, रौवा पी ले। अरे देखो हम एकदम फिट और फाइन बानी, जरूरत बटे तोहरा के एकदम फिट और फाइन भइला के। का बात बा जीजा जी, अरे बिली प्यार से दूध पियावल जात बा। हाँ ओ का बना कि तोहरा ई बहिनी के साइकिली से बुलेट बनावे के तैयारी में लागल बानी। घुल जा बेटा, मिल जा बेटा। पियला से केहू बुलेट हो जाईता? अरे एकदम गारंटी भाई, कोनो साधारण दूध ना हो, एमे बाबा जी के घूटी बाबा जी के बूटी मिलावल बा ना हो। ए अरे बाप रे, का कर तड़ू, ए का कर तड़ू, अब मिली। अरे बाप रे बाप, अरे का कर तड़ू। आइए दादा, तू भी घर लो, ये का ता डालू तू यार। हम अहू बुलेट बन के देखे के चाहता नहीं। अच्छा कह लो, तू भी ले ले। अब हे भगवान, ये तब बुलेट बन गई, अब केहू से लड़ ना जाओ, करा पहले जाके हमरा के रोके के पड़ी ना, रोकम ना तो ये बुलेट सोचे दिल्ली जाके रुकी, हमरा के जाएगी पड़ी। मधु आ बतानी हम है ना, ये तो मुंबई रहलन तो दिल्ली का करे जाइए, लागत इनका दिमाग खराब हो गई। आज सुनब ना हम हूठी ठोली, हम हो बानी तैयार, तुम हो बड़ा तैयार, करो प्यार आज के हो ना बोले। तुमसे दूर बानी हम, करा हम तेरा हम, आज सुनब ना हम हूठी ठोली। काहे नाही बनाम तारा दीवाना, ना 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 रे बाबा ना, जने डाल हम दप कर के दाना। इज्जत के मोल काहे कर तारु झोल, नया उमर में ऐसने तो होला। भैनी अठरे के पार हम न रहब कुमार, अब तो उठा ता मनवा में सोला। पूछा इज्जत के मोल काहे कर तारु झोल, नया उमर में ऐसने तो होला। कबले बने बातू हमरा के जाना ना, ना
बेटा बना, जन डाल हमारा प्यार के दाना। चाचा जी दूध पी ली। अरे आवो बेटी आवो, बैठा बेटा। और कैसन बाड़ू? ठीक बा बेटा। हम ये कहत रहनी हाँ हाँ कि मुन्ना के थोड़ा ख्याल रखल करो, थोड़ा समय दिहल करा बेटा ओकरा। ये जोन मरत जात हनु, ये पानी के बहाव के जैसन होला, जहां ढलान मिलल ओजे बह गेले। और हाँ बेटा, अगर एक बार बह गेल ना बेटा तो मोड़ल बहुत मुश्किल हो जाला। पानी के धार तो ना चाचा जी, लेकिन मुन्ना के हम अपन तरफ मोड़ ले। काल से देखी उन करे के कैसे बांध के रखत बानी, ऐसे जुताई है जैसे कोलू के बैल। बेटा बैल और इंसान में फर्क होखेला बेटा। मधु एक बात पूछी? हाँ, जोन तू पूछे के चाहता रू हमरा पता बा। अच्छा, हम का पूछे के चाहत रहनी जी तुहरा के पता बा? हमार ससुराल के अलावा और का पूछ सकेलू तू? अब तो तुहार नया नया शादी भइल बा, तुहार बारे में कुछ तो पूछे पड़ी, और तुहरे पति के बारे में कि तुहार पति के प्यार अचार जैसन है कि रसगुल्ला जैसन? अचार रसगुल्ले जैसन? हमार पति, हम अपने पति से दूर रहेनी और इतना काम काज में व्यस्त रहेनी, ऊपर से चाचा जी की सेवा, हमरा पास टाइम ही ना मिलेला उनकरा के टाइम देवे के। देख मधु हाँ? एक बात सुन ले, टाइम मिलेला ना टाइम निकाले के पड़ेला। ऐसा ना होखे कि जब तू उनकरा के टाइम देल चाहे लू और टाइम निकल जाए। अरे पगली, हमार पति ऐसा नहीं खन, वो केहू के छुए के तो दूर के बात, वो केहू के देखे लेन तक ना, वो हमरा से बहुत प्यार करेलन। भगवान करे तुहार बात सच होखे, पर एक बात ध्यान रखिया, आदमी आउ पंछी एक जैसे होखेला, कब उड़ जाए पता नहीं चलेला। ना, हम अपना पति पर पूरा भरोसा करेनी, वो हमरा साथे कबो धोखा ना करियन। चला अरे मधु, तू इतना जल्दी आ गई, अब मिली, अब तू तू आइजा। काहे हम नहीं की आ सकत का? अरे केहू देख ले तो बवाल हो जाई। तो हो जाए दीना। अच्छा सुनो ना, तू इजा से चल जाना था, मधु आ गई है ना, अब देख ली है तो बहुत गड़बड़ हो जाई, बात मानो। इतना डरात बड़ा यार, आवे दो करा के हम बात कर ले। अरे बात तो तू कर ले, लेकिन व्यवस्था तो हमार हो जाई ना। आ गई आ गई। एने उने का देखत बानी रवा, केहू आइल बा का? अरे ना, अब तोहरा रहते होरी केहू आ सकेला का? हम तो बस तोहरे के देखत रानी हां। आजकल तोहर ध्यान बड़ा एने उने भटकता, जब एने उने देखे के रहे तब बिया काहे कइला? अरे कैसन बात करता रु, हम तो बस तोहरे से प्यार करेली। अरे सुना ता, अब एकरा के कहल जाले भैया कि दू नाव पे चढ़ना और जी फाड़ के मरना। अब काहे खिसियाल बड़ू? अरे खिसियाला के कोनो वजह होला, बोला काहे खिसियाल बड़ू? चाचा जी कहत रहले कि एक दिन तू हमके छोड़ के चल जाइबा, तोहरा पे ध्यान देवे के चाही। अरे तू का छोट लड़का हवा जेके हम गोदी में लेके घूमत रही, अब देखा आज तो के मंदिर लेके गई नी, तू लगला एने ओने झाके। ओहो, इस सगरो आग लगावल हमारे चाचा के ह, हमरा जिंदगी के ऐसी तैसी कह के आग लगा के अब ओमे घी डारा था ना मेरे चाचा के ऐसी तैसी। देखी अब चाचा जी के कुछ मत कही। चाचा जी के छोड़ो, कहे के तो हमरा के तोहरा से बा। सुनो, हमरा से प्यार करे लो? अच्छा, तो तोहरा से हमरा के प्यार करे लो ना। फिर हुए बात, आखिर कब समझबो तू? ये पकड़ झकर काहे करे लगेला हमेशा, हमरा के ये सब बिल्कुल पसंद नहीं के। चुप यार, मैं पकड़ा पकड़ी थोड़ी होला,
हम अपन बाबूजी से प्यार करेनी तक पकड़ा पकड़ी करेनी। तो जाके अपना बाबूजी के प्यार करा, कभी भी करीब आवे के कोशिश करा तो ठटकारे लागे ले। प्यार करे आवे तो पता नहीं कहे दूर भागे ले। एक नंबर के पगलेट से पाला पड़ गेल बा हमार। रो बहुत बढ़िया बा, तोरा के तो पूरा जिंदगी रोए के बटिया, रोला के प्रैक्टिस आज से शुरू कर दा बेवकूफ कहीं के। कहाँ जात बनी? बंबई जाता नहीं। अबे अचानक अर्जेंट फोन आई लाला। हमके बताई नहीं ना। खैर छोड़ी, हमो कपड़ा बांध लेत बानी और रास्ता के खाना भी बांध लेत बानी। मधु बंबई हम अकेले जाता नहीं, तू नहीं खोजात कहे? अब हर बात तोहरा के बतावल जरूरी बाटे का? कहे बेटा, जरूरी नहीं है कि हर बात बतावल जाओ, लेकिन हमरा तो बता सकेला कि मधु कहे नहीं खिजात। ओ चाचा, मधु तो हर पतो ही तो बन गेल बाड़ी, लेकिन हमार बीबी अभी तक नहीं बनल। जहिया हमार बीबी बन जहे तहिया हम इनके बुला लेब। ठीक बा, रवा की जहाँ जाए के बाद जाई। जब रवा के हमार जरूरत नहीं है तो हम हो रवा बिना रह सकीले। चला ठीक बा, हम छोड़ देता नहीं, आवो। चलो वहाँ जाके बेटा खबर कह दी हो। ठीक बा चाचा। हाँ। चल पढ़ा पढ़ा। मिली यह माया नगरी बंबई का हमार घर। आवा ई रहल हमार शीश महल, 1 BHK बंबई में। 1 BHK? हाँ। का होला 1 BHK जेमे एगो रूम होला, एगो हॉल होला, किचन लैट्रिन बाथरूम होला। खैर कैसन लागल हमारी शीश महल? ठीक है बा, एगो हीरोइन के घर जैसन तो नहीं खे ना, एक तो बड़ महल जैसन होके के चाहिए। बड़ा बड़ा कमरा, सोफा, बड़ा बड़ा बेड, वैसन तो नहीं खे, पर काम चला ले कौनो बात नहीं खे। चला हम फ्रेश होके आवत नहीं। फ्रेश होके आवत नहीं। बंबई में कदम रखते मैडम के झोपड़ी की जगह 1 BHK फ्लैट मिल गई बटे तो कड़ी एडजस्ट कर ले। अरे वो लोगन के करेजा से पूछा जो बंबई में आके झोपड़पट्टी में रहला आ डब्बा उठा के सुलभ शौचालय में जाके लाइन लगावेला, एडजस्ट कर ले। हे भगवान, अपने को क्या, 1.5 घंटा हो गया बाथरूम में घुसले अबले। मिली, ए मिली। हाँ। अरे मक्खन जैसन देह के घिस घिस के नहलाइबू तो घिस जाई हो। अरे शांति रखा, आवा तानी। अरे नहीं खे शांति हो, टेम्परेचर हाई होता, जल्दी आवा। आ जाना तो दे ठंडा जाइए भाई। ठंडा जाई बात तो कौनो बात नहीं खे, हम बानी नू। अच्छा जी, आज तो हर बंबई के पहला दिन है ना, बंबई के पहला दिन तोहार और हमार। आज तो तू बहुत सुंदर लगा तड़ो।
अरे मधु का सोचत हो? यह सोचत रहनी कि हमरा से कोनो गलती तो नहीं खेना भइल। कहे से कि जब वो हमार साथ रहलन तो हम उनकरा से हंस के बोलनी तक ना और उनकरा के टाइम भी ना देनी। लेकिन पता बा आज उनकर बहुत याद आवता। हम तोके यह समझावत रहनिया लेकिन तू कहाँ समझ लू हमार बात। तोके तो दिन भर काम ही काम दिखात रहला। अब तू ही बतावा हम का करी। तहार पति फिल्म लाइन में काम करे लनका? हाँ। और तोके पता है फिल्म लाइन में का होला? ना तोहरा के पता बाका? ना हमके पता नहीं खे लेकिन हम सुनले हैं फिल्म लाइन में एगो लड़की आवेले ते एगो जाले। देखा एक तो पहले से ही डरत रहनी और तू आके हमरा के और डरा देलू। देखा मधु हम तोहरा के डरवावल नहीं खी चाहत। हम तोके बतावा तने जवन सुनले हैं उहे। लेकिन अब तू ही बतावा हम का करी। देखा मधु फिल्म लाइन में एक से एक बढ़ के खूबसूरत लड़की आवेली और ऐसन कोनो पति नहीं खे जवन बिना पत्नी के प्यार पौले ना रह सकेलन। लागत था कि तुहार पति कोनो लड़की के चक्कर में मुंबई में रहे लगलन। पेमेंट वेमेंट कब होई भैया? अरे भैया मुन्ना भैया आ जाइए तो मिल जाई तो के पिछला भी बाकी बा मिल जाए। मुन्ना भैया आ जाइए तो मिल जाई हो। अरे भैया आ गए ने। कैसन बात होता? बैठा बैठा बैठा। अरे वाह मुन्ना भैया ब्याह का क्या मिला? बड़ा चमकत बड़ा। भाभी भी आयल बड़ी का? हाँ भाभी भी आयल बड़ी। तो पार्टी मनाई पार्टी हो चाहिए भैया? मुन्ना भैया सुखले सुखले गला भी गीला हो। गला गीला हो मरदवा काहे ना हो। लेकिन भैया आओ पार्टी में भौजी के भी आवे पड़ी। हाँ भाई भौजी भी आई हैं गला भी गीला होई लेकिन देखा अभी हम गांव से आयल बानी तो जेब जोन बा बड़ा टाइट बाटे। अरे ना भैया राव आदेश करी सब इंतजाम हो जाई। ऐसन बात बका? हाँ। तो ठीक बात शाम के पार्टी डन। सही बात ना बात। चला चला भैया। भैया अब ले आइए। इला मुन्ना भैया आ गए। नमस्ते भैया। बैठा भैया बैठा। अरे का भाई अबले तो लोग शुरू ना कर भाई पार्टी देवे वाला भाई आ गए। चला डिश रेडी बा भाभी से तो हमनी के परिचय करा दी। अरे हाँ मिली ये हुआ हमारे दोस्त सेवालाल जी भाभी और ये हुआ फिल्म में आर्ट डायरेक्टर अवधेश। नमस्ते। और ये हुआ नमस्ते चेहरा पर मेकअप वेकअप लगाए वाला। और वो राजकुमार हमे। और ये हुआ विक्रम फिल्म में कॉस्ट्यूम डिजाइनर। अरे भाई मुन्ना के कही भौजी के भी खियाई। ई बहुत मजाक करेले। अच्छा हम सब समझ गए नहीं ई लाइन में इतना मजाक मस्ती चले लो। खाली बातें होई खाना पीना भी कुछ होके के चाहिए। खा लो ए भाई लोग चला खा। हाँ निकाला भैया बहुत स्वादिष्ट बाटे ना खा। बहुत हमारे फेवरेट हम के पार्टी खाते स्पेशल डिश में बोले बने हाँ कल आ जाए रुआ आ जाए कल। हाँ बैठ के बात कर लिए। हाँ ठीक ठीक। हाँ चाचा जी खाना खा ली। हाँ बेटा तू खाना खा लो बेटा। चाचा जी आप खा ली हम बाद में खा ले। बेटा ऐसे कब तक काम चली? तने आईना में जाके अपन शकल देखो कैसन मुरझा गई बा तुहर चेहरा बेटा। जब से मुन्ना गईलन हम तो आईना देखे के भूल ही गई नहीं। सिंगार खातिर सुहाग के का महत्व होला वो अब जाके समझ में आई। रेगिस्तान के तपन में मुरझाई फूल पर जबले सावन के बूंद ना गिरी ये खिले वाला नहीं खे। बस अब ई देखे के बाकी पहले सावन आई कि फूल डाली छोड़ जाई। कहा खाना खाए घर के माहौल ऐसा बाकी।
टाइम हो गल बा हमरा के। रोज हमरा से कहता रहा कि डायरेक्टर से मिलवाई, डायरेक्टर से मिलवाई। कितना टाइम हो गई, तू एक भी डायरेक्टर से आज तक हमरा के ना मिलवाईला। डायरेक्टर से मिलवला के कौन जरूरत बाटे? अरे हम खुदे प्रोड्यूसर बन के डायरेक्ट तोहरा के लॉन्च कर दे। तू पता ना कब प्रोड्यूसर बनबा, तू कब हमरा के लॉन्च करबा, तब तक तो हम बुढ़ा जाए। तो जाके खुदे मिल ले डायरेक्ट। एजा तो सब इंतजार में बाटे कि कब मिली है, मिली के धोके हम हीरोइन बना दे। बम्बई आ गई तो ज्यादा बोले लगलू, गाँव में रहतू ना अभी ला तो चूल्हा फूकतू। का बात बा पूजा, आज हमरा के मिले खातिर बुलाइले बाड़ू? तुहार बहुत याद आवत रहला ऐसे बुलौनिया। तुहारा पता बा एगो तू ही तो बाड़ू की अपन दिल के बात तोसे कहे नहीं। अच्छा ऐसा कौन बात बा, जल्दी जल्दी बतावा। अरे बतावा तने रुका, इतना जल्दी भी कहा, थोड़ा टाइम हमरो के दा। दिन भर काम करेलू, तनी आराम तक कला। ऐसा बात नहीं के पूजा, हम तोहरा के भी टाइम देवे नी, और तू जब भी हमके मिले खातिर बुलाइलू हम भाग के आ जाए नी। और रहल सवाल तो हमार आराम करे के, तो हम रात में कर लेवे ली। पर हम जोन बात बताएं ना कि तो जरूर सुन के ना हैरान हो जाए। ऐसा कौन बात बा बतावा? तुहार वो सहेली है ना मिली। मिली? हाँ हाँ। अरे हमरा के कितना दिन से वो दिखत नहीं के, हमरा बुझाता वो हीरोइन बन गई होई। तोहरा के मालूम बा वो काहे नहीं खेलो का? वो तोहरा पति के साथ मुंबई में रहेली। सुहाग रात है, और तोहरा के मालूम बा सुहाग रात की रातें मरद मेहरारू का करेला? चला हटा, हमरा बड़ा नींद लागता। का मजाक करता रू हेने आवाज अब अजीब बोल रही बड़ा, राती के चुपचाप सूतल जाला तो एका पकड़ा धकड़ी करता रहा। कोनो परेशानी बाका रहवा के हमरा से? अरे हम तो कोनो जबरदस्ती ना कहले रहनी ब्याह करे खातिर, अगर ब्याह ना करे के रहे तो मना कर देती। अरे चुप, उल्टा चोर कोतवाल के डांटे, जोन बात हमरा के कहे के चाहिए तू हमरा से कह तड़ू। बेटा जरूरी नहीं है कि हर बात बतावल जाओ, लेकिन हमरा तो बता सकेला कि मधु काहे नहीं खिजात। ओ चाचा मधु तो हर पतो ही तो बन गेल बाड़ी, लेकिन हमार बीबी अभी तक नहीं खी बना। जहिया हमार बीबी बन जाइए तहिया हम इनके बुला लें। का मधु आजकल खेले काहे नहीं खुजात? हमार मन नहीं खे चाची। मन कैसे करी, मन तो परदेश गईल बा। मतलब जब मुन्ना रहला तो तू कदर नहीं कैलू, अब चल गई तो आंसू भावतड़ो। का करी चाची बताई,
हमार नादानगी हमार जिंदगी बर्बाद कर देले बा। चुप रह बेटा, सब ठीक हो जाए, भगवान सब ठीक करिए। बेटा इतना गुमसुम कहे बैठल बड़ू? चाचा जी, का हम इतना बुरा बानी कि मुन्ना हमसे रूठ के चल गई ले? ऐसा नहीं बेटा, तू तो मुन्ना से बहुत अच्छा बड़ू। उ गइल तो जाए ना, तोहरा का पड़ल बा? जब तू हार फिकर नहीं करत तो तू अकर फिक्र कहे करत रहू? ठीक कहनी ना? ना चाचा जी, मुन्ना जब यहाँ रहलन हमके ठीक लागत रहे, अब तो हमके कोनो चीज में मन नहीं खिलागत। कम से कम उनकर ऐसे लड़ाई तो कर लेते रहनी। बेटा हम जानता नहीं
और मुन्ना के भी तोहर याद आवत हुई, वो आ जाए जल्दी। और हाँ, एगो काम कर, तू कुछ दिन खातिर अपन गांवे चल जा, तोहरो जब मन लग जाए और समय भी कट जाए बेटा। ना चाचा जी, हम गांव में ना जाए, गांव में सब लोग हसिए हम पर। इतना जाने लू? तब का चाचा जी, मुन्ना जैसन रवा भी हमरा के बुर्बक समझ लेनी का। अरे ना पगली, अच्छा बात बा, और भगवान सब ठीक करी है ना। चल गई ले हम का उनकर फिल्मिया के हीरोइने से कम मानी का। अभी तक वो हमरा के देख ले नहीं खन। मेरा
सेवालाल, पता है आपको, ये फिल्म शुरू करने के लिए हमने यहां का पसीना यहां तक ला दिया हा? और आपसे एक हीरोइन तक नहीं आ रही है। क्या हमारा बुरिया बिस्तर बंद जाए और हम चले जाए गांव? ना सर, लड़की तो आवत भी लेकिन कहानी में इतना नग्नता हुआ कि सुनते ही भाग जात गया। सेवालाल, कहानी की डिमांड है, कहानी में ग्लैमर चाहिए, एक्सपोज चाहिए, पता है तभी फिल्म हिट होगी। हा? एक काम करिए, ये काम आपसे होने वाला नहीं है, आप जाइए, मुन्ना को भेज दीजिए। जी सर। अरे जाइए ना, ग्लैमर एक्सपोज के बिना फिल्म हिट होगी। कमिंग सर। यस, कमिंग कमिंग कमिंग। आओ आओ आओ। हेलो सर। रहुआ हमरा क्या याद करनी है? मुन्ना, तुम क्या हमारी गर्लफ्रेंड हो? हाँ, जो हम तुम्हें याद करेंगे? याद नहीं किए बुलाए हैं। अब हाँ, मतलब काहे ले बुलाए हैं सर? तुम लोग की प्रॉब्लम क्या है? प्रोड्यूसर मैं खोजूं, हाँ, सारी सेटिंग मैं करूं, पैसे का जुगाड़ भी मैं करूं, हाँ, क्या हीरोइन की भी व्यवस्था हम ही करें? हाँ, अरे किस मर्ज की दवा हो तुम लोग यार? अरे सर, रहुआ अब सॉरी सॉरी सर, अब रहुआ टेंशन काहे के लेते नहीं, हम पूरा कोशिश में लगल बानी। अरे कोशिश कोशिश की मां सर, सर क्या करता नहीं रहुआ, कोशिश में लगल बानी, लेकिन व्यवस्था भी हो जाए। हाँ, हाँ, और कल हो जाए के चाहिए, याद रहे। याद बा सर। यस, हीरोइन की व्यवस्था हो जाए के चाहिए। श्योर, शूटिंग शुरू करने के पहले डन। और ब्यूटीफुल हीरोइन, सारी तैयारी हो गई? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जाके देखो किसका मिस कॉल आ रहा है। फोकस सही है? हाँ भाई, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, वो हो जाना चाहिए। दादा थोड़ा पानी लाना। हाँ लाया। हाँ, बिस्लेरी लाओ एक। हाँ हाँ ठीक। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मुन्ना गया है, वो हीरोइन जरूर लेके आएगा। अरे मेरी फिल्म की सारी हीरोइने वही लाता है। अच्छा। मुन्ना सर सुनिए, हीरोइनिया शूटिंग करे खातिर आवत रही, लेकिन बॉयफ्रेंड से ना भाग गई। अरे बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई तो मैं क्या करूं? किसी को भी फोन कर। सर हमार गलती बा, आवत रहली शूटिंग करे बॉयफ्रेंड के संग भाग गई था। अबे तुमने ही बोला था कल हीरोइन लाके खड़ा कर दूंगा, कहां हीरोइन? शॉट रेडी है। एक काम करता नहीं, हीरा यादव के फोन करता नहीं, वो बढ़िया कोऑर्डिनेटर हम, कुछ ना कुछ करिए। तू जा यार, जा फोन कर, किसी को भी लेके आओ। ठीक बात है, ठीक बात। अरे वो लेके आएगा। आ गई। वाह, ऊपर से लेके नीचे तक पूरी हीरोइन हो तुम। क्या नाम है तुम्हारा? मिली। अरे पहले क्यों नहीं मिली? अच्छा क्या करना है तुम्हें? सर हीरोइन बनने आई हूँ। हीरोइन बनने आई हो? जी। वाह क्या बात है, चलो मैं तुम्हें नंबर वन हीरोइन बना दूंगा। तुम्हारा करियर जो है ना, आसमान छुएगा। मेकअप मैन, मेकअप। यस सर। अरे मैडम को ले जा, जल्दी से मेकअप करा और जल्दी से लेके आ। चलिए मैडम। थैंक यू सर। अरे वेलकम, जल्दी जाओ जल्दी। आइए। मैंने क्या बोला था? हाँ, एकदम कड़क हीरोइन आएगी। अब तो आ गई ना। वाह, बहुत ही बेकार और घटिया किस्म के इंसान हो तुम। मुझे नहीं पता था तुम इस तरीके से करोगे मेरे साथ। धोखा दिया है ना तुमने मुझे? हाँ, कट, सुपर। क्या क्लियर शॉट दिया तुमने यार। थैंक यू सर। एकरा के काहे का खड़ा कइले बानी? एकरा चेहरा पर तो उदासी बा। क्या बात कर रहे हो? हाँ। अरे यार ये तो बहुत खुश दिखाई दे रही है। हाँ? इसको नंबर वन हीरोइन बना दूंगा, जान है इसमें। एक बात कहूं, हीरोइन के लिए बहुत अच्छा। थैंक यू। चल का जरूरत रहना शूटिंग पे आवे के? मना कैले रहनी है ना, मना कैले रहनी है कि जब तक हम ना बोलब तब तक शूटिंग पर नहीं खे आवे के? हाँ तो गुलाम नहीं है तुहार कि जौन तू बुलवा हम वो करब। मिली, तू वो डायरेक्टर के बारे में नहीं खू जाना, एक नंबर के गिरा हुआ इंसान हवे। जब तक लड़की के शोषण ना करेला तब तक लड़की के काम ना देला। अच्छा शोषण, तू का करत रहला इतना दिन से हमरे साथे? हाँ ए मिली, तू हमरा साथे बम्बई आयल बाड़ू, हमरा घर में रहत आड़ू, तो तोहरा के उहे करे के पड़ी जोन हम कहत। हम तोहार बीवी ना हई कि अपन हक जतावता रह हमरा पर, ना कि हम ऊ मधु हई कि तोहार जास्ती बर्दाश्त करब। ए मिली खबरदार, जे तू अपना जवान से हमरा मधु के नाम लहलू तो, अरे तू तो मधु के पैर के धूल के बराबर भी नहीं खू। आहा, बहुत प्यार आवत आज तो मधु पर। हाँ तो हमरा के काहे ले आईला? हाँ लेके आवे के चाहिनू उ गवार के। एक बार फिर से कहा था नहीं,
अपना जवान से हमरा मधु के नाम मत ला। मधु हमारी इज्जत है, हमार गुरूर है। ठीक बा, बिठा के रखा अपन गुरूर के अपन सर पर। हम जाता नहीं, लेकिन एक बात याद रखिया, तुहार सामने हम बन के दिखाई तुहरा हीरोइन नंबर वन। सर। अरे मिली, क्या बात है? हाँ, बहुत परेशान दिख रही हो। हम गांव वापस जाता नहीं, बस यह खबर देवे खातिर रहुआ पास आई नहीं। हाँ क्यों, गांव क्यों जाना चाहती हो? तो का करें, हमार मुन्ना से लड़ाई हो गई बा, और ये अनजान शहर में केहू के जानत नहीं की, केहू के पहचानत नहीं की, हम कहाँ रहब? मिली, इतनी छोटी सी बात के लिए तुम गाँव जाना चाहती हो? तुमको पता है कि मैंने तुम्हारे बारे में क्या क्या सपने देखे, क्या क्या सोचा है तुम्हारे लिए? तो हम का करें, कहां जाएं? तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, अब जो करना है मुझे करना है। तुम्हारे रहने का, तुम्हारे खाने का, तुम्हारे पीने का सारा इंतजाम मैं करूंगा। ओके, चलो कम ऑन। आओ मिली, बैठो, सिट। या सिट। ये रहा हॉल। कैसा है ये हॉल? बहुत बड़ा बा। बहुत बड़ा ना? हाँ। और इसके अंदर जो है 2 bedroom है with attached latrine and bathroom। 2 bedroom? Yes। कैसा लगा बताओ? बहुत सुंदर बा सर, बिल्कुल रहुआ के दिल जैसन। मेरी एक बात समझ में नहीं है, इन 2 दिन की मुलाकात में तुमने मेरे दिल की गहराई कैसे नाप ली? अभी तक तो ना नापनी है जी, लेकिन अब नाप ले। लेकिन उससे पहले रउआ कौनो डिमांड रखी, हम एक बात क्लियर कट कह देवे के चाहता नहीं कि हम ना केहू के एहसान ना रखे नहीं। मैं कुछ समझा नहीं। तो हम समझा देते नहीं। अरे हमके बता दा नचबा कौन गीत पे, नाचे भोजपुरिया माइकल जैक्सन देसी बीट पे, नाचे भोजपुरिया माइकल जैक्सन देसी बीट पे। चाहे रही कितनो रस में, बाजेला जब डीजे गोड़ रहेला ना बस में, रही हम अकेला। चाहे रही कितनो रस में, बाजेला जब डीजे गोड़ रहेला ना बस में। जुमा के नाची न जाके नाची ए बाजी, जुमा के नाची न जाके नाची ए बाजी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चलते शॉट में आने की? तुम्हारी वजह से ये पूरा शॉट खराब हो गया।
प्रोडक्शन मैनेजर हो, हीरो बनने की कोशिश मत करो, अपनी औकात में रहो तुम। सॉरी सर। उकावा ना यहाँ मिली के परफॉर्मेंस करत देख के अपना आप पक्का काबू ना कर पाऊंगी। I'm sorry सर। जाए दी डायरेक्टर साहब, वैसे भी मुन्ना हमार पहला फैन है, इतना छूट तो बने के चाहिए। कहले रहनी ना एक दिन हीरोइन बन के दिखाई, थोड़ा इंतजार करा, हीरोइन नंबर वन भी बन के दिखाई, और तू ना खाली प्रोड्यूसर बने के सपना देखत रहिया। ज्यादा गुरूर इंसान के कहीं का ना छोड़ेला मिली। और तू? और घमंड ज्यादा दिन ना चलेला, बेवकूफी भाई तोहार। वैसे तू बम्बई में हीरोइन बने आए बड़ो और बन भी जाएगो, पर एगो बात कहल चाहता नहीं, हीरोइन नंबर वन ना बन पाईबू। ओके बाय। चलो ऑल द बेस्ट। चलो निकलो, बहुत हो गया, गेट लॉस्ट। सारा शॉट खराब कर दिया। मास्टर जी चलिए अपना काम शुरू कीजिए। कीप इट अप, कम ऑन कम ऑन। साथे बहुत नाइंसाफी के लिए बानी, पर जाना तड़ू जब गैर के घानी पड़े लाना तब इंसान के ओके ओकर अहमियत समझ में आवेला। पर अफसोस है बात के बाटे की हमरे कई गलती के सजा तोके मिलल, हमके माफ कर दिया मधु। अरे मुन्ना। अरे चाचा जी, तो हलो कही जा, ना कोनो कॉल ना कोनो मैसेज, अचानक से कैसे? बेटा अचानक से आवे के कारण तुहार बीबी भी आ, तहरा बिना बहुत बुरा हाल रहे कर। याद में रोरो के बहुत परेशान रहे, बीच में तो ये खाना पीना भी छोड़ देले रहे बेटा। फिर हम सोचनी समझेनी एकरा के कि बेटा हम तोहरा के लेके चलो, मुन्ना से मिलाए तोहरा के, बस ये सोच के बेटा तोहरा पास ले आईनी। अब संभालो अपन अमानत के। और हाँ, हम एगो बात बोलत रहे, वो अपन रामदीन बाड़े ना, ओकर बेटा एजे शहर में रहला, तो हम सोचा था कि एजे आइल बने तो ओकरो से मिल ली ही। तब तक तू लोग बात करो, ठीक बा बेटा, हम शाम तक आ जाए, ठीक बा? जी। मधु हमरा के माफ कर दे यार। पति पत्नी के बीच में माफी नाम के कोनो शब्द ना हो खेला, गलती हम दोनों के रहे, यही से सजा भी हम दोनों के मिलल। लेकिन एक बात हम रवा से पूछे के चाहता नहीं, रवा के अगर मॉडर्न लड़की पसंद रहे तो हमरा के एक बार कहे ना कहनी। ये तो से के कह देलस कि हमरा के मॉडर्न लड़की पसंद है, हम मानता नहीं कि हमरा से गलती भइल बाटे, लेकिन मधु भगवान होकर हमरा के सजा दे देले बने। मधु हमने के अपन अतीत भूल के एगो नया जीवन की शुरुआत करे के चाहिए। सुनी जी, रवा तो अपन बीबी के मॉडर्न रूप में देख भी ना कहीं नहीं, हम हूँ कोनो मॉडल से कम नहीं की। का मतलब? मतलब मॉडर्न।
बेटा गांव में जो अपन मंदिर बा ओजा बहुत बढ़िया चबूतरा उतरा बना दे बनी सभी के सहयोग से। जब तू अब ऊजा तब देखिए बड़ा अच्छा लगी, बहुत अच्छा लगी। नाश्ता कर लीजिए। नाश्ता कर ली? अभी भूख नहीं है हमके, भूख लगी तो खा ले। तो हलो खा ला। इनकरा के का भेल चाचा जी, हमने क्या आयल इनका के ठीक नहीं खे लागल का? अरे ना बेटा, ऐसन कोनो बात नहीं खे, हम बहुत बढ़िया से जानी ला मुन्ना के। ऐसन मत सोचा बेटा, हो सकेला अगर कोनो टेंशन भइल होके जेकरा कारण ही ऐसन करत होके, तू टेंशन मत ला। अरे लागत के हुआ इल्बा। आई आई आई। अरे बेटा, तो हर पति के दोस्त आइल बड़े। भाभी जी प्रणाम। नमस्ते। हम आई मुन्ना भैया के दोस्त सेवाला। आई रवा बैठी, हम अभी बुलावत नहीं उनका। जी भाभी जी, जी भाभी जी। कैसे बानी रहुआ? सब ठीक बा। दया है आशीर्वाद बा। आगे ले। अरे सेवाला, का हाल चल बा? सब ठीक बा भैया, एगो जरूरी काम बा, यही से आई है भैया। हाँ बैठा। हाँ, रहुआ बैठी। जी भैया, मुन्ना भैया, भाभी ते बड़ा भाग्यशाली बाड़ी। कहा कैसे इला? इत्तफाक से एगो फाइनेंसर मिल गई बा, फिल्म बनावल चाहता। हम रहुआ बारे में बात कर लिया, वो तैयार बा। यह बता गया इला? नहीं मुन्ना भैया, हम तोरा की याद दिलावता नहीं। वो घमंडी मतलबी औरत के सबक सिखावे की यह मौका बा। अच्छा मुन्ना भैया, हम चला था नहीं, हम चाय तो पी ली ना भाभी, फिर आए हम चाय भी पी, हम खाना भी खाए, चलता नहीं मुन्ना। ठीक बच्चा, प्रणाम। एक बात पूछी, रवा सही सही जवाब दी। पूछा। अगर हमनी के यहाँ आइला से रवा के कोनो तकलीफ बा तो हम काले चल जाए, रवा चिंता मत करी। कैसन बात करत अड़ू? अरे तो लोग उनके ईजा आ गए से हमरा दिल पर जो बोझ रहा उतर गए। फिर कौन बात के बोझ बा जो रवा के अंदर अंदर खैले जात बा? मिली के चैलेंज जो हमसे कहले बड़ी, उभरल समाज में कहलस कि वो बनी हीरोइन नंबर वन और हम प्रोड्यूसर ना बन सके नहीं। अरे रवा के कांधा पर चढ़ कर तू मुंबई देखलस ना, तो उनकर खानदान में केहू आज तक सोनपुर के मेला देख ले रहेगा। और हाँ, और प्रोड्यूसर तो रवा बन के रहब ये हमारे दिल कह रहा बा। और रहल हीरोइन के बाद, जेकरा सर पर रवा के हाथ पड़ जाए उहे नंबर वन हो जाए। जरा सर पर हाथ रखब हुए हीरोइन नंबर वन बन जाए, तब तू ही बनबो हमार हीरोइन नंबर वन। मैं कम इन सर? हाँ आइए। हेलो सर। हाँ हेलो, बैठिए जी। बताइए सर। हमार नाम मुन्ना हवे और हम प्रोडक्शन में काम करें नहीं। लेकिन हमारे तो प्रोडक्शन में आदमी है। हम काम मांगे नहीं खेल आयल। तो दरअसल हमरा के एगो फिल्म बनावे के बा। तब प्रोड्यूसर कहाँ से आई? प्रोड्यूसर हम खुद बनब सर। प्रोडक्शन से डायरेक्ट प्रोड्यूसर? कोनो खास वजह? फिल्म लाइन तो कोनो बिजनेस नहीं के? बिल्कुल सही कहा था नहीं सर, फिल्म लाइन कोनो बिजनेस ना है, एगो पैशन है, एगो जुनून है। और हमरा खातिर फिल्म बनावल एगो चैलेंज बा, केहू से बदला लेवे के बा हमके। और हम चाहता नहीं कि ए मुहिम में रहुआ हमार साथ दे। ठीक है, आप पैसों का इंतजाम करिए, बाकी मैं करता हूँ।
थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। ओके, अच्छा लगा मिलकर आपसे। जी तोहार सगरो ड्रेस। अच्छा, तोहरा के हीरोइन बनावे के बानो तो मधु एमे तोहार मॉडर्न ड्रेस बाटे। चलो उठो फटाफट पहर के दिखावा हमरा के। चलो ठीक बा। हाँ। पीछे घुमा, परफेक्ट। अब तनी चल के दिखावा था का? जैसे मॉडल लोग चले ली रैंप वॉक स्टाइल में। चला जैसे? अरे थोड़ा कॉन्फिडेंस में चला, कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस चाहिए मधु, कॉन्फिडेंस। चला मधु, हीरोइन बने खातिर पैशन चाहिए, और सबसे पहले हीरोइन बने खातिर लाज शर्म त्यागे के पड़ी, समझ गए लू ना? कॉन्फिडेंस लेवा तोहरा के अपना अंदर के झिझक के बाहर निकाले के पड़ी। चला कमान कमान मधु कमान। गुड, और अच्छा चाहिए। एक काम करो, दूसरा वाला ड्रेस पहन के आओ। ठीक बा। जा। नाइस। चलो। मधु, संभल के। हमसे ना हुई। काहे ना हुई? एको कहावत था, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो कोशिश करके पड़ी, ठीक बना? चला कॉन्फिडेंस। चला एगो डायलॉग बोल के दिखावा। डायलॉग? कौन डायलॉग? सिनेमा देखले बड़ू, वही सिनेमा में से जौन डायलॉग तोहरा के पसंद होके वो डायलॉग बोल के बतावा। जकरा के तू कुत्ता समझा था ना, वो कुत्ता ना हा, शेर हा, शेर तो के काटी ना, चीर फाड़ के रख दी। वाव, अमेजिंग। शायद केहू के पता नहीं के, तोहरों के पता नहीं के कि तोहरा अंदर एगो कलाकार गुमनाम बन के छुपल बाटे। अब हम बताएं दुनिया के कि का होला हीरोइन नंबर वन। एक्शन। हवलदार साहब, हम कहनी ना कि हम चोरी नहीं के कही नहीं, जे चोरी कैलस वो तो भाग गईल और रवा लोग हमरा के जेल में बंद कर देनी। कट कट। क्या एक्टिंग कर रही मैडम आप? कैसी एक्टिंग कर रही हैं? फिर से कीजिए। वन मोर।
कैमरा एक्शन। हवलदा कट कट। क्या कर रही मैडम आप, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वन मोर, फिर से करिए। रिलैक्स, कैमरा एक्शन। हवलदार साहब, हम कहनी ना, हम चोरी। कट कट। कैसे कैसे हीरोइन बनने चली आती हैं, फिल्म लाइन को मजाक बना के रख दिया है। आता जाता कुछ नहीं, पहले आप हीरोइन चेंज करिए, उसके बाद अगली शूटिंग होगी। चलता हूं मैं। कहा मुन्ने भैया, इस शूटिंग हुई कि ना? शूटिंग हुई, हीरोइन तो चेंज ना हुई, चेंज हुई तो डायरेक्टर। भैया हमें को सलाह दी। बोलो। अपने भोजपुरी इंडस्ट्री में बड़ा से बड़ा डायरेक्टर में रवि सिन्हा जी, उनकर आके फोन कर दी। सुन ले, रवि सिन्हा पैसा बहुत ले वेले। ना भैया, वो मसीहा बाड़े भैया, दोस्त के थे, दोस्त हुए, उस सहायता भी करेला। एक बार तो फोन करके देखी भैया, वो कबू मना ना करिए भैया। लगाओ फोन। हाँ देनी, और तू वो दूटकी की लड़की के खातिर हमरा साथ डिच कइला। आई हेट यू। मुझे माफ कर दो मधु। सेवालाल, चार लाइनें बोल देने से कोई हीरोइन नहीं बन जाती। हाँ, और मुझे पता है ये मुन्ना मुझे नीचा क्यों दिखाना चाहता है। वो अपनी बीवी को नंबर वन हीरोइन बनाना चाहता है, लेकिन उसका ये सपना कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि दर्शकों के दिल में मिली का राज चल रहा है। दर्शकों के दिल में मिली है, मिली। वो फ्लैट बेच के फिल्म बना रहा है ना, वो फिल्म रिलीज कर दे तो मेरा नाम बदल देना। चल अब तू भी यहां से निकल, चल निकल। आखिर ये मुन्ना चाहता क्या है, सब कुछ दांव पे लगा के ये साबित क्या करना चाहता है। दांव पे तो इसने सब कुछ लगा दिया है, लेकिन मैं भी देखता हूं कि इसकी फिल्म रिलीज कैसे होती है। फिल्म रिलीज नहीं होगी तो इसकी बीवी हीरोइन बनेगी कैसे? मैम एक इम्पोर्टेंट सवाल, जो हीरोइन नंबर वन का कंपटीशन होने वाला है, आपके हिसाब से कौन जीतेगा? ऑफ कोर्स मैं जीतूंगी। इसमें कोई शक है क्या? जब रेस होता है ना, उसमें हजारों लोग भाग लेते हैं, लेकिन जीतता वही है जिसे जीतना होता है। मैं चांद हूँ, मेरे आते ही सितारों की चमक फीकी पड़ जाती है। अगर आपको भरोसा नहीं है तो कल के अवार्ड शो में आप आकर खुद ही देख लेना कि कौन जीतेगा। ओके मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। एक इम्पोर्टेंट सवाल है, कितने कम समय में सक्सेस के पीछे क्या राज है? ये तो जनता का प्यार, दुलार, आशीर्वाद है और मेरी मेहनत। मैम आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जो हीरोइन नंबर वन का कंपटीशन होने वाला है, उसमें आपका क्या कहना है? मेरे ख्याल से ये जनता के ऊपर छोड़ देना चाहिए, वही भगवान है, हमें बस कोशिश करना चाहिए, बाकी फैसला उनके हाथ में है। थैंक यू मैम। आप सभी जानत नहीं कि हमने के आज हीरोइन नंबर वन के चुनाव खातिर एजा इकट्ठा भइल बानी, और हमरा हाथ में ओकर रिजल्ट भी आ चुकल बा। नॉमिनेशन में तो ऐसे कई लोगन के नाम बा, मगर दो गो नाम के बीच में असल कंपटीशन बा, और नाम बा मिली और मधु के। मिली के पॉइंट ज्यादा बा, उनकर फिल्म ज्यादा हिट भइल बा, जनता के बीच उनकर नाम ज्यादे बा, ऐसे मिली के नाम नंबर वन पे बा और मधु के नाम दूसरा नंबर पे बा। मगर फाइनल रिजल्ट आखिरी प्रतियोगिता के बाद तय होई। एक सवाल, हीरोइन नंबर वन और औरत नंबर वन में फर्क का बा?
जे सही जवाब दी उहे आज के विजेता हुई। तो पहले सीनियरिटी के हिसाब से मिली जी के मंच पे आमंत्रित करता नहीं। मिली जी मैं चाहूंगा आप मंच पे आ जाए। आप सभी लोगों के मिली के प्यार भरा नमस्कार। हम रउआ लोगन के धन्यवाद करे के चाहता नहीं कि आज हम जहाँ भी बानी सब रउआ लोगन के प्यार और आशीर्वाद से बानी। और आज यही जा बात उठा था कि एक औरत से हीरोइन बने के सपना, तो हम बतावे के चाहता नहीं कि औरत से हीरोइन बने के सफर बिल्कुल आसान न होला, बड़ा मुश्किल होला। औरत अगर नदी के एक छोर हा तो हीरोइन दूसर किनारा, अगर औरत आम होली तो हीरोइन घास, और हीरोइन नंबर वन सबसे खास जे हम हई। और हमरा के पता बा कि हम ही बनब हीरोइन नंबर वन। थैंक यू। अब हम मंच पे आमंत्रित करता नहीं मधु जी के। मधु जी जनता के सवाल के जवाब दी। जनता जनार्दन, रवा सभी के गोर लागत बानी। ओ, गोर। आप सभी के हम आभार प्रकट करत बानी हमरा की मौका देवे खातिर। हमरा विचार से हर एगो औरत एगो हीरोइन होली, चाहे वो अपन बाबूजी के घरे होके, चाहे वो साजन के ससुराल, चाहे वो जनता जनार्दन के बीच हो, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री में। और हाँ, वो सबके बीच सबके खातिर वो एगो हीरोइन ही होली। एक औरत अपन काम से, सेवा से, स्वभाव से, प्यार से सबका दिल जीत लेवेली। औरत तो औरत होली, हीरोइन तो आप सब बनावे नी आपन प्यार और आशीर्वाद दे के, कभी घर में तो कभी फिल्म इंडस्ट्री में। और रहल सवाल हीरोइन नंबर वन के, तो जे बेटी नंबर वन होई, जे बीबी नंबर वन होई और जे बहू नंबर वन होई उहे होई हीरोइन नंबर वन। हाँ, रउआ सबके फैसला तो सुनल जाई, अब तनी जज लोग के फैसला भी सुन लेहल जाओ। और जज लोग के फैसला भी उहे बा जोन रउआ लोग सोच रहल बानी। हीरोइन नंबर वन के खिताब जा रहल बा मधु जी के। तो हम चाहता नहीं कि मधु जी के ये अवार्ड फिल्म निर्देशक रवि सिन्हा जी के हाथों से दिहल जाओ। जे इत्तफाक से ए फिल्म के निर्देशक भी बाड़े, तो जोरदार तालियों के बीच रवि सिन्हा जी आपके बीच। प्लीज। सबको प्रणाम कर रहा हूं, सबको नमस्कार, बड़ों को प्रणाम। और जो माता बहन बैठी है यहां पर उनको मैं दिल से प्रणाम कर रहा हूं। और आज बहुत खुशी की बात है कि भोजपुरी फिल्म का अवार्ड आज यहां पर हो रहा है और मुझे यहां पर आमंत्रित किया गया है 2020 के लिए हीरोइन नंबर वन फिल्म के लिए हीरोइन को अवार्ड देने के लिए। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूं। मैं इस फिल्म की हीरोइन मिसेस मधु जी को आमंत्रित करता हूं कि वो स्टेज पर आए और अपने शुभ हाथों से ये अवार्ड लें। मधु जी, आपको आज ये अवार्ड लेते हुए कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और मैंने बहुत मेहनत की है इस चीज के लिए। और तो मधु जी, ये अवार्ड आप स्वीकार करें, लीजिए। रुकी सर, ये अवार्ड के हकदार मैं नहीं हूँ, मेरे पति मुन्ना है। मैं चाहती हूँ कि ये अवार्ड उन्हीं के साथ लूँ। इतना त्याग और इतना प्यार बहुत मुश्किल से मिलता है देखने को, खास करके फिल्म इंडस्ट्री में।
आज मधु जी को देखकर मुझे इस बात का एहसास हो रहा है कि पति पत्नी के बीच में अगर रिश्ता मतलब इतना गहरा हो, कोई भी इंसान कठिन से कठिन काम कर सकता है। मुन्ना जी, हम चाहते हैं कि आप आएं और ये अवार्ड आप स्वीकार करें। मुन्ना जी आइए प्लीज। सर पे आप लोगों से मैं कुछ कहना चाहूंगा। जब मैं फिल्म बनाने के बारे में सोच रहा था तो मुन्ना मेरे पास आया था, तभी मैं मधु जी को देखकर समझ गया था कि इनके अंदर वो सारे गुण हैं जो एक अच्छी हीरोइन के अंदर होनी चाहिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो इंसान सच्ची लगन और मेहनत से काम करे तो सफलता उसके कदम चूमती है। आज इसका जीता जागता उदाहरण है मिसेस मधु जी। आज मेहनत रंग लाई, आज वो फिल्म सुपर डुपर हिट हो चुकी है। आज की ये सबसे बड़ी मिसाल है। मिली, चलो यहाँ से। ये सिर्फ और सिर्फ इनकी मेहनत का फल है। अगर मुन्ना जैसा पति किसी औरत के जीवन में हो तो उसको सफलता पाने में कोई रोक नहीं सकता। ये मेरा अनुभव और ये मेरा अटल विश्वास बोल रहा है। प्यार मेरा।